दोस्तों, आप सबके मन में एक ही ख्याल था इस साल कि इस साल 2021 में स्कूल शुरू होंगे या नहीं होंगे। तो जल्द ही आपके इस क्वेश्चन का जवाब मेरे इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं भोरे क्लासेस नासिक के यूट्यूब चैनल। आज मतलब 5 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और एक ऑर्डर निकाली है, जिसमें महाराष्ट्र की जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जहां पे COVID-19 का इम्पैक्ट बहुत कम है वहां पे 8 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक सभी स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन वो स्कूल खोलने से पहले वहाँ पे क्या क्या हमें तैयारी करनी होगी, क्या 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 सुधारना करनी होगी, ये सारा हम आज इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट का वीडियो रहेगा। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अब इस ऑर्डर के इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन में ये कहा है कि पिछले साल 2020 में जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, तब गवर्नमेंट ने उसके बाद 2020 में कुछ देर के लिए 9 से लेकर 12 तक स्कूल बहुत सारे जगहों पे स्कूल ओपन कर दिए थे और 5 से लेकर 8 तक भी स्कूल ओपन कर दिए थे। लेकिन इस साल 2021 में 15 अप्रैल को जब सेकेंड लॉकडाउन गवर्नमेंट ने घोषित किया, तब सब जगह पे एजुकेशन पूरी तरीके से स्टॉप हो चुका है। अब गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर एजुकेशन सिस्टम बंद होने की वजह से बच्चों में एक अलग तरीके की निगेटिविटी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बैठ चुकी है। कुछ बच्चे जहाँ पे चाइल्ड लेबर बच्चे बन रहे हैं, बच्चों को ट्रैक में लाने के लिए या फिर मोबाइल से बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, मोबाइल के साथ ज़्यादा बच्चों का कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो चीफ मिनिस्टर है हमारे माननीय उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़, इनसे बात करके एक ऑर्डर रिलीज़ किया है। इस ऑर्डर में और भी डिटेल्स हमें दी गई है। पीछे आपको ऑर्डर शायद दिखाई दे रही होगी, तो बच्चों को मोबाइल एडिशन हो रहा है, गेमिंग का एडिशन हो रहा है, बच्चे गेम में मोबाइल में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। वही दूसरी ओर बच्चों के और सारे प्रॉब्लम्स, स्कूल खोलने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हैं। जैसे कि सिंपल रूल्स है कि आपको हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर करना है, स्कूल पूरा सैनिटाइज करवा के लेना है, 2 सेशन में आपको स्कूल करवाने हैं, एक सुबह के सेक्शन में एक शाम के सेक्शन में। सभी टीचर्स को कोविड वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। जिन टीचर्स को कोविड वैक्सीनेशन नहीं मिला है तो उनको सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन देने की जो व्यवस्था है तो वो गवर्नमेंट करवा रही है। बच्चों को 18 के अंदर के बच्चे हैं तो उनको अब तक गवर्नमेंट ने ये बोला नहीं है कि वो वैक्सीनेशन करें, उनके वैक्सीनेशन के बारे में अभी बच्चे सोच रहे हैं। लेकिन स्टैंडर्ड 8 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक का जो टाइम है तो वहाँ पे बच्चों का जो एज क्राइटेरिया बनता है तो 14 से लेके 18 तक बनता है। तो वो बच्चे भी वैक्सीनेशन लेने की हालत में नहीं है, या फिर गवर्नमेंट ने उनको बताया नहीं कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए। लेकिन जो ऑफिस स्टाफ स्कूल में होगा, जो टीचर स्कूल में आएंगे, जो बस के कर्मचारी स्कूल में होंगे, मतलब स्कूल के अराउंड जितने भी लोग रहेंगे तो सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए। दूसरी बात कि 2 बच्चों में कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों का जो ट्रैवलिंग एरिया है तो वहाँ से जहाँ से बच्चे आते हैं, जैसे बस में आते हैं, प्राइवेट स्कूल में आते हैं, तो वहाँ भी सैनिटाइजेशन होना चाहिए। इन सब नियमों का अगर पालन होता है तो तभी गवर्नमेंट क्या करेगी कि स्कूल शुरू करने के बारे में पॉजिटिवली सोचेंगी। अब ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया है कि जो स्कूल शुरू होने वाले हैं तो वो सिटी लेवल में या फिर रूरल एरिया में शुरू होने वाले हैं। ये क्लियर नहीं किया, उन्होंने एक ही सेंटेंस वहाँ पे डाला है कि जहाँ पे केसेस कम है, जहाँ पे बहुत केसेस कम है, उसी सेक्टर में स्कूल ओपन होंगे। इसका मानना ये है कि बड़े स्कूल के लिए, अभी मेरे ख्याल से तो बड़े स्कूल के लिए जहाँ पे एक स्टैंडर्ड में एक क्लासरूम में 200 या 150 के आसपास बच्चे बैठते हैं तो उन स्कूल के लिए अभी थोड़ा टाइम है। रूरल एरिया के लिए ये ऑर्डर मेरे ख्याल से काफ़ी यूज़फुल होगा। तो रूरल एरिया के जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये अच्छी खबर है कि उनके स्कूल शुरू हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी है कि आपको वैक्सीनेशन लेके स्कूल में जाना है। जो टीचर्स बाहर गांव से स्कूल के लिए अप डाउन करते हैं तो उनके लिए जो रूल
उस गांव के जो लोग हैं, तो ये उन्होंने तय करना है कि अगर ये टीचर्स बाहर से यहाँ पे ट्रैवल करते हुए आते हैं तो उनको कुछ दिनों के लिए गांव में ही उनकी रहने की व्यवस्था उनको करनी होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस ऑर्डर में आपको बताई है, तो इस ऑर्डर को ठीक तरीके से पढ़िए। ये ऑर्डर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा।